भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पीड़ित परिवारों की छात्राओं को नेशनल फाउंडेशन ऑफ कम्युनल हार्मनी गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली संस्था ने जिला रामबन के आतंकवाद पीड़ित परिवारों से 3 मेधावी छात्राओं को वतन को जानो कार्यक्रम के तहत भारत की संस्कृति और शिक्षा के बड़े बड़े स्रोतों व संस्थानों से अवगत कराने के उद्देश्य से 6 दिवसीय दौरे पर भेजा गया था। वहीं आज डीसी रामबन नाजिम खान ने इस दौरे से वापस आने वाली छात्राओं से मुलाकात कर उनके अनुभव की जानकारी ली और उनको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। वहीं छात्राओं ने बताया कि हमें हमारी शिक्षा और अन्य रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में ये संस्था स्कॉलरशिप और अन्य सुविधाएं प्रदान कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ये दौरा हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है और किसी असंभव सपने का सच होना जैसा है। छात्राओं ने इन पलों को अपने जीवन की धरोहर बताया। इस दौरे के दौरान छात्राओं ने दिल्ली और बेंगलुरु में अपने अनेक ऐतिहासिक और शैक्षणिक संस्थानों का दौरा किया। मैं जे एंड के से हूँ और NFCH के द्वारा जो टूर कराया गया था मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। वो हमें इसलिए कराया गया था क्योंकि हम जो मिलिटेंसी के द्वारा जो मिलिटेंसी के विक्टिम से उनके जो स्टूडेंट्स थे मतलब जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको ले जाया गया था। वहाँ पे बैंगलोर का टूर था, वहाँ पे बैंगलोर के साथ साथ हमें दिल्ली भी लिया गया और बैंगलोर में हमें आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम में ठहराया गया। वहाँ पे हमें हैप्पीनेस कोर्स किया हमने जो कि बहुत अच्छा था, जिसमें हमें बहुत मज़ा भी आया और साथ में हमें कुछ सीखने को भी मिला जो कि हमें ISRO सेंटर ले जाया गया जहाँ पे हमें पूरा बताया गया कि एक स्पेसशिप वगैरह कैसे हम उनको बनाते हैं, उनके मॉडल्स वगैरह भी दिखाए गए हमें। फिर हमें IIM कॉलेज इंस्टीट्यूट जो था वहाँ पे भी ले जाया गया। ISRO जो मैसूर जू था, मैसूर पैलेस, वहाँ हर जगह घुमाया। इट वॉज़ रियली नाइस एक्सपीरियंस।